मौत पिता भाई सुत बंदप अर्फुन ग्रह की ना अरे फोन ग्रह की ना तनते प्राण होत जब न्यारे तनते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत आध घड़ी कौन रखे आध घड़ी कौन रखे करते देत निकार करते देत निकार जीवत को सबके छे जीवित को विवरा सबके छे जीवित को विवरा मृग कृष्ण जो ए जग रचना मृग कृष्ण जो जग रचना ये देखो हृदय विचार मृग कृष्ण जग रचना यह देखो
हृदय विचार ये देखो हृदय कहु नानक भज राम नाम नित नानक भज राम नाम नित जानते होत आज घरी को न रखे
सब किछ जीवत को व्यवहार जब लग तेल दीवे मुख बाती जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूझे सब कोई तेल जले तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदिर होई रे बोरे रे बोरे तो करी ना रख कोई तू राम नाम जप सोई काकी मात पिता को काकी मात पिता को माए बाप पुत्र सब हर के किए सपना को सन बंद सपना को सन बंद हार कर दिए काकी मात पिता को कौन पुरख की जोड़ी घट फूटे कोई बात न पूछे घट फूटे कोई बात न पूछे काढ़ो आध घड़ी को न रख काढ़ो देवरी बैठी माता रोए देवरी बैठी माता रोए खटिया ले गए भाई लट छिटका लट छिटका तेरी आरोवे फर्क सिर्फ एन दरवाजे ते बैठी मां भी रो रही है ते केस खोल के क्योंकि पुरातन रिवाज अनुसार जदों पति मर जांदा पत्नी केस खोल दिंदी है क्योंकि एक गल नाल नाल समझनी है उस वक्त केसां नूं गुंदना भी एक शिंगार सी माठ गुंदाई पट्टियां भरिए मांग संधूरे क्यों
ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਮਝਣੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮਾਠ ਗੰਦਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਭਰੀ ਮਾਂਗ ਸੰਧੂਰੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਠ ਗੁੰਦਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਖੋਲਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਓਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ। ਮਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤਰੀ ਆ। ਲੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਟਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਟਾਵਾਂ, ਲੱਟਾਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਤਨੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਤਰਿਆ ਰੋ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤੇਰੀ ਆਰੋਵੇ, ਲੱਟ ਛਿਟਕਾਏ ਤੇਰੀ ਆਰੋਵੇ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਨ ਅਤੇ ਜੀਉ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਹੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਨ ਅਤੇ ਜੀਉ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਦ ਆਖਾਂ ਹਾਂ ਤੁਦ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੁਦ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲੈ, ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀਉ ਆਤਮਾ ਜੀਉ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਖਵਾਏਗੀ, ਛੁੱਟੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਦ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੈ,
छुट्टड़ होई है नारी। हंस चलिया तू पीछे, तू काया मैं रुल दी देखी। तू काया मैं रुल दी देखी, जो तारू ऊपर छारो। पर कहन लगे, पता ही ये हालत क्यों हुई? तू ते जीव इकट्ठे रहे, सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, जिन्ना ने तुहाडा सी एक दूजे प्रति, इन्ना तो संसार दे किसी होर संबंध किसी होर रिश्ते दा नहीं सी। माता पिता जन्म देने वाले, भैन भरा उसे कुख तो जन्म लैन वाले, पत्नी जीवन साथन अखवाण वाली, कदे कुछ महीने कुछ पला कुछ दिनों लई कुछ वरिया लई मनुख उन्हां तो भी विछड़दा है। कारोबार ने विहार ने आम जिंदगी दी कहानी है, मनुख विछड़दा। एक काया ते जीव ऐसे ने जेड़े विछड़दे नहीं, जिस दिन तो जन्म लेंदे ने। ये अजीब गल है, मैं एक बार की सी, मनुख पति पत्नी नू तो जीवन साथन आखदा है, ते जीवन साथन असल विच काया ते जीव है जिहड़े कदी भी नहीं विछड़दे। जिथे मनुख जाएगा उथे काया भी जाएगी, जीव ही जाएगा। ते कहन लगे, सारी जिंदगी इउं इकट्ठी बिताने वाले जीवन साथी असल विच अखवाने वाले भलिया, कदी कदी तू देखिया भी ओ जीवन साथी काया ते जीवन जेड़ा है जीव है जेड़ा है ओ भी आपस विच वफादार ना निकले, उन्हां दी वफा भी शक्की हो गई। सतगुरु ने बाणी विच आखिया, काया हंस क्या प्रीत है, दोवे दा चंगा प्यार है, चंगा न्यो है किसे होर दे न्यो ते किसे होर दे रिश्ते ते किसे होर दे प्यार ते आस रखनी होवे ता आ गल समझ लै। सतगुरु कहंदे ने, काया हंस क्या प्रीत है, जे पयो ही छड़ जाए। सारी जिंदगी साथ निभाया ते जान लग्या हंस ने जीव ने जीव आत्मा ने, जान लग्या काया कोलों सलाह भी नहीं ली, मैं जावा कि ना जावा, सलाह नहीं ली। बल्कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल शब्द ने जिन्हां विच काया दा ते हंस दा जीवन दा आपसी संवाद है, गलबात उलांभे भी ने। तन कहे तू वस मैं डाले, ये भी शब्द इस संबंध विच, प्रिया सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हो किते ना देख लेखे। जिस दिन हे जीवन हंस तू चलिया गया, मैनू किसे ने संभालना नहीं, तुझे बिना हो किते ना लेखे, इसलिए मैं तेरे कोलों वायदा, मैं तेरे कोलों इकरार ये लेना चाहनी हाँ कि तू मैनू छड़ के नहीं जाएगा। वचन दे, प्रॉमिस कर, छोड़ ना जासा है, तू मैनू छड़ के नहीं जाएगा। सतगुरु बाण विच कहंदे ने, अगों फिर हंस जवाब दिंदा है, प्रिया कहे हाँ हुक्मी बंदा, मैं तेरे नाल जरूर रहा। हे काया जीव जीव हंस तेरे नाल रहा है, पर अपनी मर्जी नाल नहीं, मेरे मालिक ने हुक्म किया है, उन्दे हुक्म विच तेरे नाल रहा। प्रिया कहे हाँ हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकर
जिस कान न छंदा जुचर राखे तिचर तुम संग रहना जा सदे ता उठ सदा साए जिन्नी देर तेरे नाल रखेगा रहा जिस दिन मैं उधरों सदा आ गया तेन छड़ के चला जाऊंगा मैं तो उन्दे हुक्म विच जिचर राखे तिचर तुम संग रहना जा सदे ता उठ सदा साए गल सच्ची सी पर काया इनू मजाक ही समझती सी भी कि मैनू छड़ के किवें जा सकदा सारी जिंदगी तो धोखे करके दुखां विच पै के कमाई करके मैनू पालदा रहा है मेरे लिए सोना सूट से लिया मैनू पालन लिए चंगे से कपड़े चंगा भोजन सब कुछ मैनू पालदा रहा तो मैनू छड़ के जा सकदा जो प्रिया बचन कहे धन साचे धन कछु ना समझे इस गल ते यकीन ही नहीं करती कि मैनू छड़ के जा सकता तन कछु न समझे चंचल मत कच्चे बहुर बहुर पिर ही संग मांगे बार बार उन्हू आखदी है नहीं तू मैनू छड़ के नहीं जाएगा बार बार पिर ही संग मांगे वो बात जाने कर हासा है वो समझे मेरे नाल मजाक करता पे छड़ के तो जा ही नहीं सकता है? बात जाने का रास्ता है गुरु कहने होया कि आई आ गया फिरों बुलाया हुक्म हो गया मालिक ने बुला लिया ना धन पूछी ना मता पकाया उस वेले अपनी काया कोलों जड़ी धन रूप सी स्त्री रूप सी उन्दे नाल सलाह नहीं कीती कि मैं जावा कि ना जावा आई आ गया फिरों बुलाया ना धन पुछी ना मता पकाया उठ सदायो छूटर माटी उठ के चला गया और मिट्टी रूप काया छड़ दिती उठ सदायो छूटर माटी और इस गल का जिक्र एक उलांभे दे रूप विच बाणी ने आख्या कहन लगे काया नू पालदा रहा काया हंस क्या प्रीत है सारी जिंदगी रहा कादी प्रीत धोखा काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए पई नू छड़ गया उसनू फिर कहन लगे चलो भला वो तो बेवफा निकलिया यो ही वफादार निकलती कि मैनू पालदा रहा मैनू संभालदा रहा उठ के नाल तुर पवा काया भी उठ के तुरी नहीं हंस चले आ गया काया रह गई कह लगे काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड़ जाए उसनू कूड़ बोल बोल के खवालिए चलदिया नाल ना जाए और यो गल अज दे शब्द विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने बड़ी खोल के समझाई कहन लगे पढ़िया ये सारे साथ जीवंदियां दे ने जीवंदियां दे ने सब किछ जीवत को व्यवहार ये सारे वायदे सारे रिश्ते सारियां वफादारियां ये सब कुछ जीवंदियां दे ने सब किछ जीवत को व्यवहार कहन लगे मात पिता भाई सुत बंद पार फोन ग्रह की नार कहन लगे तन ते प्राण होत जब न्यारे जदों तन तो प्राण वखरे होणगे करदे ओ जी जिहड़े तेरे मिलन नाल अपनी रौनक समझदे सन तेरे नाल एक एक पल सांझा करके गुजारना चाहते सन ओ हुण तैनू भूत भूत प्रेत प्रेत आखन लग पै कोल नहीं खलोना तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार इथों तक के आद घरी को न रख है जिहड़े घर तू आप बनाए जेड़े महल तू आप सिरजे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੋ ਘੰਟੇ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਤਣ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੀਂ ਜਣੀ ਹੋਏ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਜੱਗ ਹੋ ਫਿਰੋ ਮਾਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ। ਮਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੰਧ ਚੜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧੇ 'ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਢੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੌਕ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਭਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਜੱਗ ਹੋਂ ਫਿਰੋ ਮਾਦਲ ਕੰਧ ਚੜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜੀਵਿਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਤ ਜਬ ਨਿਆਰੇ ਟੇਰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੁਕਾਰ, ਅੱਧ ਘੜੀ ਕੋ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ, ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉਂ ਜੱਗ ਰਚਨਾ। ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਹੈ। ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਹਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੋਂ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਸੋਈ, ਕਾਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ ਕਮਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਜੋਈ, ਘੱਟ ਫੁੱਟੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ ਆਧ ਘੜੀ ਕਉ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਘਰ 'ਤੇ ਦੇਤ ਨਿਗਾਰ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ
ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार कदे तू विचार करे तो तैनू यकीन आ जाए गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे इस शब्द ते कि मन नू मैं संसार अंदर इउं ही जी रहा जिवें मिर्ग तृष्णा जिवें पानी दे लालच लालसिया लई मिर्ग दौड़दा है उंदे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। मिर्ग तृष्णा ज्यों जग रचना यह देखो हृदय विचार। बल्कि सतगुरु तो कहिंदे ने मैं देख रहा तेरा संबंध सारा जिउंदा दिया क्यों है ये भी सोच, क्योंकि जिउंदे हो तू किसी दे कम आना। लोग रिश्ता उदों तक रखते ने जदों तक तू उन्हां दे कम आना है। लो कारण ये है जिन्नी देर तेरे तन विच प्राण ने जिन्नी देर तू जीना है किसी दे कम आवेगा। परिवार लई तू रोटी कमाएगा दौलत कमाएगा कुछ करेगा जॉब करेगा घर ले आएगा बच्चे पालेगा परिवार लई कुछ ले आएगा। असल विच तू जिस दिन तेरे प्राण तन तो न्यारे हो गए उस दिन विश्वास कर तू करन जोगा कुछ नहीं रहना। फिर तू जॉब तो नहीं ना कर सकता, फिर तू दौलत भी नहीं कमा सकता, तू फिर पतवाल में भी नहीं कर। ते जिस काम लई तेरा रिश्ता सी वो काम तो खत्म हो गया। इंदा मतलब काम लई रिश्ता सी। सतगुरु ने बाणी अंदर हर गल नूं स्पष्ट किया, कहन लगे जो संसार कै कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे। सतगुरु बाणी विच कहते ने जो संसार कै कुटुंब मित्र भाई दिसे मर मेरे ते सब अपने सवाए मिलासा। वो सारे तैनू अपने सवाए अपनी लोड़ लई मिलदे ने। जिस दिन तू उन्हां दी लोड़ पूरी करन जोगा ना रहे हो मृतक हो गया उस दिन उन्होंने तेरा साथ छड़ देना। फिर किसे नहीं आखना दो घंटे होर रहन दे हो। सतगुरु बाणी विच कहिंदा जो संसारे कै कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने सवाए मिलासा। जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे तित दिन नेड़े को ना ढुकासा। गुरबाणी है जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे तित दिन नेड़े को ना ढुकासा। उन्हां दा संबंध रिश्ता दौलत नाल है। तू कमाई जोगा है कुछ लिया सकना है कुछ दे सकना है तो तेरे नाल रिश्ता है। ते जिस दिन तू चला गया तेरे उच प्राण ना रहे तू कुछ करन जोगा नहीं इसलिए तेरे नाल रिश्ता भी खत्म हो गया। इन्दे मतलब तू अपने स्वाए लई है। सतगुरु ने बाणी विच थाणी अनेकां थावां ते आखिया कि मनुख जिहड़ा है वह अपने स्वाए लई जुड़दा है इसलिए विश्वास मनुखता ते ना कर। अपने स्वाए करें बहु बातां तिनका विसाओ तिना का विसाओ क्या की जाए। जदों अपने स्वाए वाले अपने लोड़े लई बड़ियां मिठियां मिठियां गल्लां करदे ने संसार दे रिश्तेदार मित्र दोस्त संबंधी वो अपने स्वाई लई नहीं। जिस दिन तेरे प्राण वक्रे हो गए उन्हें वेख्या हूँ कुछ करन जोगा नहीं फिर उन्हें मिठियां गल्लां नहीं करनियां। कहन लगे अपने स्वाए करें बहु बातां तिनका विसाहो क्या की जाए। बल्कि सतगुरु ने बाणी विच आख्या तेरी तो हालत यह है भी जे गुरु दे कोल भी तू आना है तो अपना स्वाए लैके आना है। जे तेनू पता होवे गुरु कोल कुछ नहीं मिलना अरदास कीते आ इत्थे मत्था टेके आ कुछ फर्क नहीं पैंदा तू गुरुद्वारे भी ना होवे। सतगुरु ने बाणी विच आख्या एक आए बहें अपने स्वाए आए बहें गुर आगे ज्यों बगल समाधि लगाई है। फिर बगले वांगू समाधि ला के बैठना है उत्थे बैठना है इस ख्याल नाल कि मेरी भगती मेरा आना परवान चढ़ जाए।
इस लिए संसार का मनुख जिहड़ा है उनका रिश्ता केवल अपने स्वाय दा है। ते जिस दिन उनका स्वाओ पूरा ना होवे उस दिन को पुछदा नहीं कहिंदा काडो काडो होई हुण मेरा तेरा रिश्ता की है। बल्कि गुरु ने अपनी एक शब्द अंदर बड़ी खूबसूरत गल आखी कहन लगे जे तू कोई संबंध जोड़ना है तो उस मालिक नाल जोड़ जिंदे नाल तू अपने सवाए ले जावे फिर भी वह कवे चलो कोई नहीं आया तो मेरा ही है ना। सतगुरु ने बाणी बचा अपने लोभ को किनो मीत सकल पदार्थ मुकुत पद दीत। ऐसा मीत करो सब को मित्र उन्हों बना जिड़ा तू अपने लोभ लई अपने लालच लई अपने स्वाओ लई भी आवे फिर भी तेनू अपने दर तो धक्के ना। गुरु नानक दे दरबार विच श्री गुरु ग्रंथ साहब दे दरबार विच तू अरदास करन लई आ अपनी लोड़ लई आ पर आ फिर भी मालिक तेनू दर तो धक्केगा नहीं। ऐसा मीत करो सब कोए जाते बिरथा कोई ना होए अपने स्वाय हृदय लै धारिया तू अपने स्वाय अपनी लोड़ लई उन्हू अपने हिरदे विच थां दित्ती पर दुख दर्द रोग सगल बिदारिया उन्हें तेरे दुख खत्म कीते भी चलो आया तो है ना मेरी शरण जो शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी संदा उस मालिक दी ए सुभा आदित है। नहीं तो संसार दी जिन्ने रिश्ते ने वो केवल तेरे प्राणा तक ने क्योंकि तेरे प्राण तक जड़े ने तू किसी का कुछ सवार सकना जिस दिन तेरे प्राण तन तो वक्रे हो गए फिर उन्होंने वेख लेना भी हूँ इनकी काया तो कुछ करन जोगी नहीं हूँ इनू की करना हूँ इनू की करना। फिर गुरु कहते हैं उन्होंने ये सोचते हैं भी किस तरह इनू समेटिए सतगुरु बाणी विच कहते हैं काया बिगूती बो विदभाती को जारे को गडले माटी। फिर उस काया नू बड़े वक्रे वक्रे तरीके नाल हर कोई बिले लाउंदा है शरीर बिले लाउंदा है ते बिले लाउण दे केड़े केड़े तरीके ने दोनों दा जिक्र किया को जारे को जला दिंदा है अग विच को गडले माटी को कबर खट के उत्ते मिट्टी विच गड दिंदा है उन्हों कबर रखते हैं। कहते हैं एक शरीर नू काया नू बिले लाउण दा तरीका है तो इसलिए है क्योंकि फिर काया तन तो जदों प्राण वक्रे हो जाए फिर काया कम दी नहीं रहिंदी इसलिए जीवदियां नाल ही सारे रिश्ते ने गुरु कहते हैं सब किछ जीवत को सब के छे सब के छे जीवत को विभुहा मात पिता भाई सुत बंदप मात पिता भाई सुत बंदप आर फुन गे की आर फोन देखी ना सब के छे जीवत को विभार सब के छे जीवत को विभार जीवत को व्यवहार जीवत को व्यवहार साढ़े जीवन की कहानी
जेड़ी असी नहीं समझ सके गुरु समझा रहा है। क्यों? क्योंकि जिनने सानू जीवन दिता है ना, गुरु उनके नेड़े है, उनके नेड़े है। इसलिए जानता है कि उस सिरजनहार ने केड़ा जीवन ते किन्ना हुक्मां विच, किन्ना मर्यादा विच, किस डिसिप्लिन विच दिता है। वो इनू समझ नहीं आई, गुरु कहिंदा मैं समझा दिया। गुरु तेग बहादुर पातशाह समझा रहे ने, ते हर वीक आपां शब्द गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दा लड़ीवार देखने, जिंदे विच सतगुरु ने जीवन दी कहानी ही सानू समझाई है। भला असी समझ जाइए, जीवन सफल हो जाए। इन्हां शब्दां नाल खिमा दा जा चुका, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।